सोशल मीडिया नए जमाने की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या इस ताकत का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या देश के नागरिक सोशल मीडिया के खतरों से पूरी तरह वाकिफ हैं? झारखंड में एक कॉलेज छात्रा की फेसबुक पोस्ट पर अदालती फैसले की घंटी बजाओ की यह रिपोर्ट देख लीजिए और नागरिक अधिकारों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जोरदार घंटी बजा दीजिए। ये 19 साल की ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती हैं, झारखंड के रांची की कॉलेज छात्रा। ऋचा ने जो किया उस पर देश में बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन ऋचा के किए पर रांची के सिविल कोर्ट ने जो सजा सुनाई उसने देश में नया विवाद छेड़ा है, नई बहस को जन्म दिया। सवाल ये उठ रहा है, क्या ऋचा को कोर्ट ने सही सजा दी है? इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको शुरू से पूरी कहानी हम बताते हैं। ऋचा पटेल नाम की इस कॉलेज छात्रा ने फेसबुक पर 12 जुलाई को एक पोस्ट शेयर की। आरोप है उस पोस्ट में इस्लाम के खिलाफ विवादित टिप्पणियां थी। एक मुस्लिम नौजवान की शिकायत पर पुलिस ने ऋचा के खिलाफ केस दर्ज किया, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। रांची की सिविल कोर्ट में ऋचा पटेल को जब पेश किया गया तो कोर्ट ने धर्म विशेष के अपमान का फैसला सुनाया। ऋचा को इस शर्त के साथ जमानत दी कि ऋचा को कुरान की 5 प्रतियां खरीदनी होंगी, उन्हें अलग अलग संस्थाओं को बांटना होगा और सबकी रिसीविंग 15 दिन के अंदर कोर्ट में लाकर जमा करनी होगी। कोर्ट के इसी कुरान बंटवाने के फैसले पर ऋचा पटेल की प्रतिक्रिया सुनने से पहले उनके वकील राम प्रवेश को सुनिए। एक कुरान बुक जो है पिठोरिया थाना के अंजुमन इस्लामिया जो भी होंगे चाहे कार्यालय में जाके जमा करेगी, रेस्ट 4 कुरान जो है अन्य लाइब्रेरी में कंसर्निंग थाना के माध्यम से जाएगी और वहां वो लाइब्रेरी से भी रिसीविंग लेगी। 5 रिसीविंग 15 दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट कर देना है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन ऋचा पटेल फैसले के खिलाफ है। वो अब अपने नागरिक अधिकारों की दुहाई दुनिया के सामने दे रही हैं। हमको लग रहा है कि गलत हुआ मेरे साथ, मस्जिद जाना पड़ेगा, कुरान बांटना पड़ेगा। पोस्ट मेरा नॉर्मल था, जो सबका पोस्ट तो सबकी आईडी पे ऐसे पोस्ट आपको मिल जाएंगे, सिर्फ रूप से उनके धर्म को ठेस पहुँचाएंगे। ऐसा भी मेरा पोस्ट नहीं था और पोस्ट मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं था, वो आधा कटिंग पेस्ट ये सब वही पोस्ट किए थे। पोस्ट तो दूसरे समुदाय से होते हैं, तो क्या कभी उन्हें ऐसा किया गया उनके साथ कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, मंदिर मंदिर घूमो? लेकिन मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हम संतुष्ट है इस फैसले से। ऋचा पटेल की दलील से हिंदू संगठन और राजनीतिक दल भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं किया, लेकिन फैसले को एक तरफा बताया। ऋचा के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया गया। पूरे सम्मान के साथ अपनी असंतुष्टि व्यक्त करता हूं, अपनी भावना कि कोर्ट का यह निर्णय न तो मुझे धर्म सम्मत लगता है, न ही कानून सम्मत लगता है। जो कानूनविद है उस पर और विकास प्रकाश डालेंगे। मेरा निवेदन भी होगा आपसे कि उनकी भी राय एक बार लेनी चाहिए कि ऐसा शास्त्र में कहां लिखा है, कानून में कहां लिखा है। अगर मैं मेरी मर्जी में तो किता बांटूं मैं, क्या मैं, मेरा शास्त्र कहीं अनुमति नहीं देता है कि हम कुरान बांटूं। मुझे नहीं याद कि ऐसा कभी कोई जजमेंट आया हो कि आपको किसी धार्मिक ग्रंथ की कॉपीज बांटनी होंगी, ऐसा हमने कभी नहीं सुना देश के इतिहास में। मुझे लगता है ये फिट केस है अपील करने के लिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि 2 गुनाह ऐसे हैं जिसे माफ करने का मुझे भी हक नहीं है, यानी अल्लाह को भी। उन 2 गुनाह में एक गुनाह यह है कि कोई अल्लाह की जात में किसी को शरीक करे, कि पूजनीय अल्लाह के अलावा भी कोई है, एक इस पाप को माफ नहीं करेगा। और दूसरा पाप, अगर किसी ने बेवजह किसी का दिल दुखाया है तो उस गुनाह को भी माफ नहीं करेगा। लेकिन ये भी गुंजाइश है उसमें कि अगर वो बंदा माफ कर दे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। जाहिर है सोशल मीडिया पर धर्म से जुड़े इस नए विवाद ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन एबीपी न्यूज की राय इस पूरे मामले में यह है कि रांची की अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो देश हित में है। अदालत ये जानती समझती है कि सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं, लेकिन अगर गलत दिशा में जाएं तो ये उस हथियार की तरह है जो किसी बम से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, मजहब के नाम पर देश को बांट सकती है। इसलिए आपसे भी हमारी यही अपील है कि सोशल मीडिया पर सजग रहें, बिना सोचे समझे ना तो कोई पोस्ट लिखें और ना ही किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को कहीं शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।